तैयार किया है चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर। अब जो है मिसाइलें तैनात की जाएंगी। जी हां, खबर मिल रही है बॉर्डर पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात जो है वो की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलें खरीदने की मंजूरी जो है वो दे दी है। 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती जो है वो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर जो है वो की जाएगी और 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद की मंजूरी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। 500 किलोमीटर तक का मारक क्षमता इस मिसाइल की है और समझ लीजिए जिस तरीके से चीन की चालबाजी बढ़ती जा रही है और आए दिन देखने को मिलता है कि चीन जो है वो किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, वहीं पाकिस्तान से भी हम देखते हैं कि किस तरीके से नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहता है पाकिस्तान। तो 120 प्रलय मिसाइल जो आएंगी उसकी तैनाती जो है पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर की जाएगी। चीन और पाकिस्तान हो जाओ सावधान। हिंदुस्तान से की हिमाकत तो आएगी प्रलय। ड्रैगन की हर साजिश और नापाक चाल की जमीन पर होगा हिसाब। एलएसी पर चीन की भारत को उकसाने वाली चाल किसी से छिपी नहीं है। वक्त वक्त पर वो ऐसी हरकत करता है जिससे सीमा पर शांति भंग की जा सके। ड्रैगन का साथी और उसके कर्ज तले डूबा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। वो हर वक्त भारत के खिलाफ आतंक वाली साजिश का जाल बुनने में लगा रहता है। अब इन दोनों दुश्मन देशों को भारत की तरफ से हर चाल का पहले से ज्यादा और दमदार जवाब मिलने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद से ड्रैगन और आतंकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन घातक और डेंजरस मिसाइलों को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। प्रलय मिसाइल का वजन 5 टन है और ये जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है। इसके जद में आने वाले दुश्मनों का बचना नामुमकिन जैसा है। एक तय दूरी के बाद दुश्मन को चकमा देकर रास्ता बदलने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल अपने साथ 1000 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। इंटरसेप्टर मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसे रात को भी दागा जा सकता है। दुश्मन के होश उड़ाने वाले इस मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था और तभी से सेना इस मिसाइल को शामिल करने की दिशा में काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2021 को प्रलय का पहला कामयाब टेस्ट हुआ था। इसके बाद अगले दिन भी यानी 23 दिसंबर 2021 को भी इसका सफल परीक्षण हुआ था। DRDO ने इसे देश की विश्वसनीय पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर डेवलप किया है। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। प्रलय चीनी मिसाइल को टक्कर देने में सक्षम है। चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइलें हैं। DRDO ने प्रलय की गति का खुलासा अभी तक नहीं किया है, लेकिन प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज्यादा घातक बताई जा रही है। सबसे पहले प्रलय को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, फिर ये थल सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनेंगी। 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को सरकार से मंजूरी। चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश है कि अब अगर तुमने एक गलती की तो जवाब अब सिर्फ प्रलय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।